हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सोनू सूद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने कोरोना के टाइम में लोगों की बहुत हेल्प की है। सोनू सूद स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स फ्री में कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री में पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको IAS बनना है, तो आप लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि आप भी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट ले सकें। आगे इस वीडियो में आप लोगों को इस वेबसाइट में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगने वाला है। फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर्म में सभी डिटेल्स को फिल करना बहुत ही ज़रूरी है, एक भी स्टेप छूट जाने से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, और आगे भी ऐसा वीडियोज मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूद चैरिटी फाउंडेशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फ्रेंड्स, IAS बन देश बना। अगर आप लोग IAS बनना चाहते हैं, आप लोगों का IAS बनना एक ड्रीम है, या आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं है सिविल सर्विसेज तैयारी करने के लिए, बहुत ज़्यादा क्योंकि पैसे लगते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में IAS बनने में, तो फ्रेंड्स आप लोगों को सोनू सूद के तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस दिया जा रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आप लोग ज्वाइन करके आप लोग IAS बन सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है फ्रेंड्स, तो इसे हाथ से नहीं जाने देना है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दें, मैं उसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ मैं डिटेल बता दूँ इसके बारे में कि यहाँ पर IAS स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो सूद चैरिटी फाउंडेशन है फ्रेंड्स, वो डिवाइन इंडियन यूथ एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। उसके तहत आप लोगों को 2022-2023 का जो बैच है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास होने वाला है, और ये स्वयं के साथ आप लोगों का प्रोग्राम निकाला गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन IAS कोचिंग आप लोगों का क्लियर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब फ्रेंड्स, आप लोगों का वन टाइम आप लोगों का 50 रुपीज़ रखता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स, और आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि ये 2022-23 का आप लोगों का ये बैच स्टार्ट होने वाला है, और इसका जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो 25 सितंबर तक है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास अभी 10 दिन टाइम है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें 25 तारीख से पहले, 25 सितंबर से पहले। तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, वो मैं बताने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, उसके यहाँ साइड में देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से रीड कर लें, ठीक है ना, समझ लें, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को अप्लाई नाउ करना है। तो अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हो आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, और यहाँ पर सारा डिटेल आप लोगों को बताया गया है कि फ्री कोचिंग क्लासेस टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रेंड्स, उन लोगों को फ्री कोचिंग आप लोगों को दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस होगा फ्रेंड्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो, तो आप लोग हिंदी में कर सकते हो क्लासेस को। अगर आप लोग इंग्लिश में क्लासेस को करना चाहते हो, तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, आप लोगों का कोई यहाँ पर लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है। तो आप लोग देख लेना फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस करना है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वरना आप लोगों का ही लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर देख लो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ फॉर्म फिल कैसे करेंगे इसमें। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पहले अपना नेम यहाँ पर फिल कर देना, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को अपना फादर नेम को फिल करना है, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है वही आप लोगों को नेम फिल करना है एकदम सही तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को एक वैलिड ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना होगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो अपडेट्स आप लोगों को आपके ईमेल में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, लेकिन आपको उसमें आगे की तरफ 0 या +91 नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ ओनली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है फ्रेंड्स, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करना होगा, अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे फ्रेंड्स।
उसके बाद यहाँ पर अपना एरिया को फिल कर दे फ्रेंड्स कि आप लोग कौन से एरिया से आते हो, रूरल एरिया से आते हो, अर्बन एरिया से आते हो, टाउन एरिया से आते हो, तो अपना जो भी एरिया है आप लोग सेलेक्ट कर ले फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को अपना करंट एड्रेस को फिल कर लेना है फ्रेंड्स, जहाँ पर आप अभी जस्ट रह रहे हो तो वहाँ का आप लोगों को अपना एड्रेस को फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका इनकम कितना है, आप लोगों का एनुअल इनकम कितना है, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑल सोर्सेस आप लोगों को बताना होगा आपके पेरेंट्स का, और आप लोगों को यहाँ पर एनुअल इनकम यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है, जो भी है 1 लाख 2 लाख जो भी आप लोग फिल कर दे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग PW कैंडिडेट हैं तो आप लोग यस कर देना, वरना आप लोग नो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का करंट प्रोफाइल क्या है, आप स्टूडेंट हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं या आप लोग बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग यहाँ पर अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप लोगों से एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोगों ने 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, या आप लोगों का ग्रेजुएशन अभी प्रोग्रेस में है, तो आप लोगों ने जो भी अभी कर रखा है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन इन प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका है क्या, कब कंप्लीट हो, तो आप लोगों को यहां पर ईयर को यहां पर मेंशन कर देना है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया तो इस ऑप्शन को आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है वो अगर प्रोग्रेस में है, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप लोगों का ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होगा वो आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स क्या आप IIT कानपुर के स्टूडेंट हैं, अगर आप IIT कानपुर में स्टडी करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है फ्रेंड्स। अगर आप लोग नहीं करते हैं स्टडी तो आप लोगों को यहाँ पर नो करके यहाँ पर आप लोगों का आगे का ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने जो भी लास्ट जो स्टडी है वो आप लोगों का कोर्स कौन सा था, आप लोगों ने लास्ट कोर्स कौन सा किया हुआ था, तो आप लोगों का जो लास्ट कोर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना। यहाँ एग्जांपल के लिए जो बताया गया है BA हिस्ट्री, तो अगर आप लोगों ने जो भी कोर्स लास्ट वाला किया हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों का जो 10th क्लास में जो परसेंटेज था वो परसेंटेज आप लोगों का कितना था, तो यहाँ पर 10th क्लास का जो परसेंटेज है यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हाई स्कूल बोर्ड जो आप लोगों का है 10th क्लास आपने किस बोर्ड से दिया हुआ था, तो अगर आप लोगों का CBSE है, ISC है, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों का कोई अदर बोर्ड से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था तो आप लोग यहाँ पर अदर में करके आप लोग यहाँ पर अपना नेम को मेंशन कर सकते हो। आप लोगों का 12th क्लास में परसेंटेज कितना आया था, तो आप लोगों का जितना भी परसेंटेज आया था फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने जो 12th क्लास है, इंटरमीडिएट क्लास है, वो आप लोगों का किस बोर्ड से आप लोगों ने किया था, CBSE से किया था, ISC से किया था, या अदर आप लोगों ने किसी बोर्ड से किया था, तो वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है। या अगर आप लोगों ने CBSE ISC से किया है तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आगे आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों का ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना है, और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज को अपना मेंशन कर देना है। अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन अगर प्रोग्रेस में है तो आप लोगों का जो भी सेमेस्टर का आपका लास्ट सेमेस्टर का जो भी वहाँ पर परसेंटेज होगा वो आप लोगों को यहाँ पर परसेंटेज को आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों का हायर क्वालिफिकेशन क्या है, या आप लोगों ने कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखा है क्या फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का कोई प्रोफेशनल डिग्री है या आप लोगों ने हायर क्वालिफिकेशन कुछ कर रखा है तो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करोगे तो वो आप लोग हिंदी लैंग्वेज में करना चाहते हो या इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हो, तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहोगे आप लोगों को उस लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कभी आपने UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम दे रखा है UPSC का, तो आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्लिक करना है, या आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे अभी एग्ज़ाम दोगे, आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है सिविल सर्विसेज का, तो आप लोगों को यहाँ पर 2023 या 2024 यहाँ पर कर देना है, या आप लोग अदर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने कभी UPSC एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों ने क्वालिफाई किया है क्या, तो अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है तो किस स्टेज तक क्वालिफाई किया है, तो उस स्टेज को आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप लोगों ने कभी क्वालिफाइड नहीं किया है, तो आप लोगों को यहाँ पर नॉट क्लियर एनी ऑफ दिस इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग सिविल सर्विसेज का कहीं से कोचिंग कर रहे हो फ्रेंड्स। अगर आप लोग पहले से कहीं सिविल सर्विसेज का कोचिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना होगा उस कोचिंग सेंटर का नेम, ठीक है, और कब से कर रहे हो वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना होगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों को कभी अवार्ड मिला है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या आप लोगों को कभी ऐसा कुछ अचीवमेंट मिला है जो आप लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी, तो आप लोगों को यहाँ पर 100 वर्ड में मेंशन कर देना है वो अचीवमेंट के बारे में या अवार्ड के बारे में, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो यहाँ पर आप लोग 100 वर्ड में उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग यहाँ पर फ्री कोचिंग क्लास करने के लिए डिजर्विंग हो, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग यहाँ पर क्लास कर सकते हो, आप लोगों को सिलेक्शन होना ही चाहिए, तो वो आप लोगों का 100 वर्ड में यहाँ पर मेंशन करना होगा फ्रेंड्स, डिस्क्राइब कर देना 100 वर्ड में कि आप लोग अपने आप को फील क्यों करते हो, डिजर्व क्यों करते हो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो वो आप लोगों को 100 वर्ड में लिख देना है फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लास जो फ्री में आप लोगों का होने वाला है वो कहाँ से पता चला है, तो आप लोगों को सिंपली जहाँ से पता चला वो सेलेक्ट कर ले, जैसे यूट्यूब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फ्रेंड्स हो गया, फेसबुक हो गया, वो आप लोग कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप लोगों का या कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन या आप लोगों का कोई सजेशन होगा तो आप लोग यहाँ पर अपना दे सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों का दूसरा जो पेज है वो ओपन हो जाता है और आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करना होगा 50 रुपीज़ का, जो वन टाइम होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को कहीं भी फ्रेंड्स आप लोगों का पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का क्लास होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 3 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को UPI ID दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, कि आप लोगों को QR कोड दिया गया है, QR कोड को भी स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं नेट बैंकिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नेट बैंकिंग का भी यूज़ करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का जो भी ट्रांजेक्शन जब हो जाएगा, जब आप लोग पेमेंट को सक्सेसफुल कर दोगे, तो वहाँ पर आप लोगों का ट्रांजेक्शन ID रेफरेंस नंबर मिलता है, तो वो आप लोगों का 5 डिजिट का रेफरेंस नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का जो पेमेंट होगा उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का ऐड फाइल में आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना, अपना पेमेंट का जो प्रूफ है वो आप लोगों को यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को एनी क्वेरीज और कोई भी कमेंट है या आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, आप लोगों को यहाँ पर यस कर देना है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लिया है, तो आप लोगों को यहाँ पर यस करके फ्रेंड्स आप लोगों को सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का जितना भी डिटेल्स है वो कंपनी के तरफ से आप लोगों को, सोनू चैरिटी के तरफ से आप लोगों को बताया जाता है, और आप लोगों का जो भी ऑनलाइन क्लासेस का डेट है, आप लोगों का क्या क्या आगे का प्रोसेस होगा, वो सारा कुछ सूद चैरिटी फाउंडेशन वाले आप लोगों को बताते हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया है फ्रेंड्स, वो स्टेप्स को आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों का 100% जो है आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है फ्रेंड्स, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।